क्लास टेन स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बताऊंगा कैसे आप टर्म टू में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आई होप आप सब लोग का इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है ट्वेंटी अप्रैल से अपने नेक्स्ट मैथ्स पेपर फिफ्थ मे के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन इसमें सबसे पहले बहुत सारे आप देखेंगे आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे जब आप अभी पेपर देख के आ रहे हैं जब ये वीडियो आप लोग को मिलेगा तो बहुत सारे डाउट्स सा आ रहे होंगे कि क्या मैथ्स एग्जाम्स के लिए हम सिर्फ एन फॉलो करें या कोई और रेफरेंस बुक भी फॉलो करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जिसे हम टाइम एंड अगेन करें और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें और अच्छा मार्क्स स्कोर करें क्या टाइम टेबल होगा टर्म टू में जो हमारे पास ट्वेंटी अप्रैल से फिफ्थ मे तक का है डेज़ हैं सेवन एंड ऑलमोस्ट सेवन एंड हाफ टू एट डेज हैं उसमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और फार्मूला शीट मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा और शॉर्ट ट्रिक्स हो जिससे हम आंसर चेक कर सकें लास्ट फाइव मिनट्स में टेन मिनट्स में हम अपने पूरे आंसर्स चेक कर सकें तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कवर करने वाला हूँ कि क्या बोर्ड का पैटर्न है क्या स्ट्रैटी होनी चाहिए क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए इन सेवन एंड हाफ़ टू एट डेज़ का और गारंटी टॉपिक्स क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप ज़रूर करिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपसे शेयर करूँगा फार्मूला शीट भी आपको बताऊँगा और इम्पॉर्टेंट डिलीटेड क्वेश्चन जो एन से इस ईयर सेशन ट्वेंटी वन ट्वेंटी के लिए डिलीट हो गए उसकी लिस्ट भी आपको दूंगा तो आइए सबसे पहले पहला टॉपिक पिक करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुआ स्टडी ऑफ बोर्ड पैटर्न टर्म टू तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेड जनरली चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेड अवेलेबल है बट इसका देखिए थोड़ा सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मार्क्स भी आप लोग को क्लैरिटी होना चाहिए सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में बेसिकली आप देखेंगे तो जैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल अलजेब्रा अलजेब्रा में दो चैप्टर कवर्ड हैं आपके फोर एंड फाइव और ये आपके टेन मार्क्स का है और इन दोनों चैप्टर से ऑलमोस्ट फोर टू सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सिमिलरली जोमेट्री में दो चैप्टर हैं नाइन मार्क्स और ये उसका सब डिस्ट्रीब्यूशन है टेंटेटिव सब डिस्ट्रीब्यूशन है इसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगो में सेवन मार्क्स फुल है मैंसूरेशन में एक ही चैप्टर है फुल सिक्स मार्क्स हैं स्टैट्स एंड प्रोबलिटी में दो चैप्टर हैं एट मार्क्स हैं और ऑलमोस्ट फोर टू फाइव मार्क्स फोर टू फाइव मार्क्स दोनों चैप्टर से आएंगे तो देखिए अभी हमने देखा कि स्टडी ऑफ बोर्ड पैटर्न क्या होगा स्टडी ऑफ बोर्ड पैटर्न हमने देखा अब हम आ, अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेटजी और टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट तो देखिए स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले बिल्कुल मैथमेटिकली साइंटिफिकली आपकी स्ट्रेटेजी आप टाइप का टाइम टेबल मैं आपसे प्रिपेयर करने जा रहा हूँ तो दस मिनट यदि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो पूरा टाइम टेबल आप अपना सेवन एंड हाफ एट डेज का ट्वेंटी सेवन अप्रैल से फिफ्थ मे तक का प्रिपेयर कर पाएंगे तो देखिए जो हमारा स्टार्टिंग डे है आज का दिन मतलब ट्वेंटी अप्रैल और जो हमारी प्रिपरेशन हमको कंप्लीट करनी है दैट इज़ बाय फोर्थ मे फिफ्थ मे को हमारा पेपर है हमें फोर्थ मे को प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है तो हमारे पास टोटल क्या है ट्वेंटी अप्रैल का आप देखेंगे ऑलमोस्ट हाफ डे अवेलेबल है और ट्वेंटी एट ट्वेंटी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑलमोस्ट सेवन एंड हाफ डेज मतलब ऑलमोस्ट यदि मैं ये कंसिडर करूँ कि मैं टेन आवर्स पर डे पढ़ू तो बेस्ड ऑन मार्क्स कंप्लीशन टारगेट ऑफ ईच चैप्टर विल डिवाइड मतलब जो टोटल सेवेंटी फाइव आवर्स हैं वो हम डिवाइड करने वाले हैं बेग ऑफ मार्च एलोकेशन तो लास्ट फिफ्टीन आवर्स के लिए सरप्राइज है और मैं अपने टाइम लाइन को स्क्वीज कर देता हूँ कि मुझे 60 आवर्स में प्रिपरेशन करना है अब 60 आयर्स में प्रिपरेशन करना है तो देखिए ये आपके सामने पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज पाई चार्ट कैसे कैलकुलेट किया मैथमेटिकली साइंटिफिकली ये कैलकुलेट किया हमने कि एल्जब्रा का जो वेटेज है एल्जब्रा का जो वेटेज है उसमें सिक्सटी आवर्स के अकॉर्डिंग उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए फिफ्टीन आवर्स फिफ्टीन आवर्स में आपको एल्जब्रा करना है और थर्टीन एंड हाफ आवर्स में आपको ज्योमेट्री करना है टेन एंड हाफ आवर्स में आपको ट्रिगो कंप्लीट करना है नाइन आवर्स में मैंसुरेशन और ट्वेल्व आवर्स में स्टैट्स एंड प्रोबिलिटी तो लेट अस गो बाय चैप्टर वाइज ये यूनिट वाइज कंट्रीब्यूशन हुआ अब चैप्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ये रहा आपके सामने देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको आपको ऑलमोस्ट सेवन एंड हाफ आवर्स में कंप्लीट करना है एपी को भी सेवन एंड हाफ आवर्स में सर्कल्स को भी आपको कंप्लीट करना है नाइन आवर्स में और कंस्ट्रक्शन को ऑलमोस्ट फोर एंड हाफ आवर्स में ट्रिगो को टेन एंड हाफ आवर मैंसूरेशन को नाइन आवर्स स्टैट्स को सिक्स आवर्स और प्रॉबिलिटी को सिक्स आवर्स तो ये हमारा जो हमने कैलकुलेट कर लिया जो पूरे सिक्सटी आवर्स को हमने डिवाइड कर दिया कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है तो उसके बाद टारगेट क्या होना चाहिए ये रहा टारगेट शीट आपके सामने इसका प्रिंट ले लीजिए स्क्रीन ले लीजिए इसका ये हमारी टारगेट शीट होनी चाहिए ताकि वेल इन टाइम हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो पाए फॉर एग्जाम्पल चैप्टर फोर चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक जबरा का पहला चैप्टर इसमें आप ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल जब आप इंग्लिश पेपर दे के आएंगे तो एटलीस्ट फोर टू सिक्स आवर्स की स्टडीज़ पर आप डिवोट करिए फिर सिमिलरली ट्वेंटी एट्थ को भी आप एटलीस्ट फोर टू सिक्स आवर्स की स्टडीज़ पे डिवोट करिए और ट्राई करिए कि मिड नून तक ट्वेंटी एट्थ के मिड नून तक आपका ये चैप्टर इक्वेशन पूरा हो जाए सिमिलरली ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल के मिड नून तक आप ट्राई करिए कि आपका एपी पूरा हो जाए और थर्टियथ अप्रैल के मिड नून तक आप ट्राई करिए कि आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको कम्प्लीट हो जाए सिमिलरली फर्स्ट मे के नून तक आप ट्राई करिए कि सर्कल्स हो जाए और फिर सेकेंड हाफ सेकेंड हाफ जो फर्स्ट मे का मिलेगा उसमें आप कंस्ट्रक्शन फिनिश करिए और पूरा एक दिन आप डिवोट करिए चैप्टर ट्वेल्व मैंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो सेकेंड मे को आप सरफेस एरिया वॉल्यूम फिनिश करिए और फिर हाफ डे आप डिवोट करिए स्टार्ट में और रिमेनिंग हाफ डे आप डिवोट करिए प्रॉबिलिटी में तो देखिए थर्ड मे थर्ड मे को आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे तो देखिए स्ट्रेटजी और टाइम टेबल मैंने डेडलाइन आपको बता दिया स्कॉलर्स वर्ल्ड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है स्कॉलर्स वर्ल्ड कैसे आपकी ये पूरी प्रिपरेशन कराएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मार्क्स प्लान स्कॉलर्स वर्ल्ड कैसे पूरा डेडलाइन को मीट करेगा कैसे आपके साथ खड़ा रहेगा कैसे पूरे चैप्टर आपको प्रिपेयर कराएगा देखिए चैप्टर फोर चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखेंगे जो इसका टारगेट है वो मिड नून ट्वेंटी अप्रैल तक फिनिश करना है तो ट्वेंटी अप्रैल से ही हम स्टार्ट कर देंगे ट्वेंटी अप्रैल को ही आप देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वेल इन टाइम हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे वेल इन टाइम हम आपके लिए पूरा चैप्टर प्रिपेयर कराएंगे तो देखिए ट्वेंटी अप्रैल को वन शॉट वीडियो आएगा थ्री ओ पे वी विल ब्रिंग वन शॉट वीडियो एट थ्री ओ और उसके बाद 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हम आएंगे शाम को आठ बजे आपके लिए ताकि ट्वेंटी अप्रैल को हम एक बार ये चैप्टर की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर पाएँ सो दैट ट्वेंटी अप्रैल का दिन हाफ डे जो अवेलेबल होगा उसमें आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएँ तो वाइज देखिए ट्वेंटी अप्रैल तक हमें हमारा नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा करना है तो ट्वेंटी अप्रैल को ही हम अपना वन शॉट वीडियो लेके आएंगे इंक्लूडिंग फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए ये सेकेंड हाफ में लेके आएंगे एट पी पे क्योंकि इस दिन ट्वेंटी अप्रैल को फर्स्ट हाफ में आपको अपना क्वारिटी की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है फिफ्टी इंपॉर्टेंट देखिए ये टाइम टेबल आप अच्छे से समझ लीजिए इसको आप समझ लेंगे इसको फॉलो कर लेंगे तो वेल इन टाइम आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम्स के लिए थॉरली प्रिपेयर हो जाएंगे लाइकवाइज चैप्टर नाइन देखिए इसका जो टारगेट है मिड थर्टियथ अप्रैल मिड नून थर्टियत अप्रैल तक आपको फिनिश करना है इस मीन्स ट्वेंटी अप्रैल के सेकेंड हाफ से इसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका हम वन शॉट एक ही वीडियो लेके आएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे ट्रिक्स भी कराएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे पास्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी कराएंगे तो इसका वीडियो हम एट ओ लेके आएंगे ट्वेंटी अप्रैल को यह हमारा मास्टर प्लान ट्वेंटी अप्रैल को हम इसका वन शॉट वीडियो लेके आएंगे लाइक वाइज चैप्टर टेन चैप्टर टेन पे आप जाएंगे तो इसका जो टारगेट है वो फर्स्ट मे को फिनिश करना है तो थर्टियथ अप्रैल को हम वन शॉट वीडियो लेके आएंगे एट ओ क्लाक इसी तरीके से चैप्टर इलेवन का वन शॉट वीडियो हम फर्स्ट मे को नाइन एम मॉर्निंग में लेके आएंगे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ये सिंक्रोनाइज़ है आपकी प्रिपरेशन से तो ये टाइमिंग ज़रूर नोट करिएगा सेकेंड मे नाइन ए एम वन शॉट वीडियो थर्ड मे चैप्टर फोर्टीन का कंप्लीट वन शॉट वीडियो ये एट ओ क्लॉक मॉर्निंग पे लेके आएंगे और थर्ड मे को थ्री पी एम पे कंप्लीट वन शॉट वीडियो अलॉन्ग विद फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए ये है हमारा मास्टर प्लान इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम वैलिन टाइम थर्ड मे तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि क्या गारंटीड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गारंटीड टॉपिक्स कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो अभी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको मस्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे चैप्टर फोर इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड ये जरूर करिए फॉर्मूला मेथड और नेचर ऑफ रूट्स तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आते हैं सिमिलरली चैप्टर फाइव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म ऑफ एन ए को जरूर करिए आप सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एन को भी जरूर करिए लाइक भाई चैप्टर नाइन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का कंप्लीट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है चैप्टर टेन सर्कल्स कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है चैप्टर इलेवन कंस्ट्रक्न कम्पलीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है चैप्टर ट्वेल्व सर्फिस एंड वॉल्यूम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स ये तीनों हमें जरूर करने हैं इसके क्वेश्चन में आप लोगों को कराऊंगा चैप्टर फोर्टीन स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन एंड मोड और चैप्टर फिफ्टीन करना है तो ये टॉपिक टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ये मैंने आपको कराया गारंटी टॉपिक्स फ्रॉम यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआर एंड फार्मूला शीट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पूरी लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप ज़रूर मार्क कर लीजिए और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टुडे वीडियो लिस्ट ऑफ डिलीटेड क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिस्ट पूरी इस लिंक पे अवेलेबल है इस लिंक से आप पूरे क्वेश्चन जो डिलीट हो गए सेशन ट्वेंटी वन के वो मार्क कर सकते हो उनमें अपना टाइम एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ना करें आई होप ये पूरी स्ट्रैटेजी प्लान यदि आप डिटेल में फॉलो करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो हम थर्ड मे तक प्रॉपर आपका प्रिपरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा देंगे आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थैंक यू